फाइनल मुकाबला जगदम्बा क्लब सराना और मंगरा के मध्य फाइनल मुकाबला 7-2 का ये मुकाबला है। 15 15 का ये फाइनल मुकाबला है। शैतान जी, यहाँ पर टॉस जीता है मंगरा शेकिन ने और रेड जगदम्बा क्लब सराना की ओर से पहली रेड अपने जगदम्बा क्लब सराना की ओर से देखने को मिलेगी आपको। सभी प्यारे दोस्तों को स्टार स्पोर्ट्स की ओर से तहे दिल से धन्यवाद आपको। ये फाइनल मुकाबला आपके बीच में शुरू होने जा रहा है जो कि 7-2 का मुकाबला है। ये पहली रेड सराना की ओर से जगदम्बा मंगरा के कोर्ट में बल्लू चौधरी। पहला महामुकाबला, फाइनल का महामुकाबला, 3 जर्सी में आप देख रहे हैं शैतान, जो राजस्थान अभी हाल ही में जो 69वीं नेशनल प्रतियोगिता हुई थी वहां पर 5 जर्सी सरदार, 5 जर्सी में सरदार जो कि नेशनल प्लेयर है सरदार को जैसे अब सेमीफाइनल सेकंड में अपना परफॉर्मेंस दिखाया था उसी प्रकार वापस वही परफॉर्मेंस दिखाना होगा। पुराने खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी रामस्वरूप चौधरी, ये भी नेशनल प्लेयर है। ये दोनों टीमें नेशनल प्लेयरों से खचाखच भरी हुई है भाई। माना जाता है कि रामस्वरूप 2 पॉइंट का इशारा प्रकाश जी और सुरेंद्र जी को आउट किया है। यहाँ पर 9 जर्सी अजमेर की किट में प्रदान को गुज्जर। ये फाइनल मुकाबला है जो कि एक बहुत ही जोरदार महामुकाबला है। ये सिंगल पॉइंट थोड़ी बड़ी चल जाए भाई, 2 नो डिस्टर्बेंस। रामस्वरूप चौधरी जो प्रॉपर सुरसरा का रहने वाला है और अभी जगदम्बा उसको 500 में वितरण किया जाएगा और वो आपके ऊपर ही है। और रामस्वरूप चौधरी का ये रनिंग गेम टच का प्रयास किया लेकिन नाकाम प्रयास। शैतान बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, नेशनल प्लेयर है, 5 जर्सी जो ये किट ये जर्सी है ये युवा सीरीज की है। सिंगल पॉइंट जो सरदार जी भी जो रेड देके गए थे, ये बूंदी एकेडमी में कोच के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं बच्चों को और वहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को कबड्डी का जो हुनर है वो हुनर सिखाते हैं। अगर जगदम्बा क्लब को ये मुकाबला जीतना है तो अपना युवा परफॉर्मेंस दिखाना होगा, अपना इम्प्रूवमेंट गेम दिखाना होगा। बाकी मंगरा सेकंड तो अपना गेम दिखाई रही है, पेश किया गया और यहाँ पर सामूहिक डेस था। मैंने कई बार देखा है, 20 साल पहले मैं देखा था, छोटा छोटा देखना था, मेरे पड़ोस में धर्मराज चौधरी रामने ढाणी का एक खिलाड़ी है जो सामने ढाणी सरदार सिंह ढाणी के नाम से शैतान चौधरी को आउट किया है यहाँ पर धर्मराज ने। 9 जर्सी शहजाद ने सिंगल थाई होल्ड करने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब। जितने भी यहाँ दर्शक हैं बहुत शानदार माता दुधिया रोशनी में इन्होंने
इतने सारे राम स्वरूप भूरिया सेल्फ, यहाँ पर प्रकाश जी सेल्फ आउट हो गए, जोरदार स्पीड है राम स्वरूप भूरिया के पास। टच कवर पर जो राम सिंह है उनको सरदार ने टच मार के आउट किया था। DR01 धर्मराज चौधरी मंगरा के फेवर में। लोकेश बहुत ही शानदार शानदार तरीके से दोनों टीमें बराबर स्कोर की तरफ दी है। मोती का जो था डबल टाई होल्ड, मोती चौधरी ये भी सामने डाने का रनिंग वाला है। छह पांच का स्कोर है मंगरा सेकंड के पांच और इसके छह स्कोर। छह पांच का स्कोर मंगरा पांच और सराना जोरदार सराना की ओर से जोरदार डबल थाई होल्ड और सामूहिक टेकल राम स्वरूप भूरिया 7-5 का स्कोर। 7-5 का स्कोर रेड पर राम स्वरूप। नौ नंबर जर्सी प्रधान गुज्जर बोनस का प्रयास, देखते हैं एम्पायर का क्या निर्णय रहता है। ये नो बोनस टाइम आउट सराना की ओर से, पहला टाइम आउट फर्स्ट हाफ फर्स्ट टाइम आउट सराना सब्स्टिट्यूट ऑफिशियल सब्स्टिट्यूट शायद एक खिलाड़ी चोटिल हो गया है। राम स्वरूप वापस धोनी ने ले लिया है, टीम ने ये सुपर टेकल करवाई सोच रही है। सुपर टेकल में अभी कुछ दर्शकों ने कहा था कि राम स्वरूप वो पुराना चावल है। सुपर टेकल में डिफेंडर में प्रकाश जी है, प्रधान जी है और हरदयाल जी है। हाफ टाइम चेंज कोर्ट स्कोर स्कोर स्कोर। अरे हार्दिक मंगरा सेकंड पांच और जगदम्बा क्लब का छह स्कोर। सबसे स्कोर 4 पॉइंट की लीड है सराहना। अभी जो मंगरा टीम के पास सॉरी जो गांव जगदम्बा क्लब का 5-4 पॉइंट की लीड है। अगर मंगरा को इस टूर्नामेंट में बना रहना है तो अपनी परफॉर्मेंस दिखाना होगा। हाफ टाइम बाद स्कोर इस प्रकार है 5-9, 4 पॉइंट की लीड है जगदम्बा क्लब सराना के फेवर में। प्रधान गुज्जर ओ सिंगल सुपर रेड चार पॉइंट का इशारा, एम्पायर का निर्णय बहाना बाकी।
तीन पॉइंट का इशारा एम्पायर की ओर से। स्कोर 9-8। स्कोर इस प्रकार है 9-8, 9 जगदम्बा क्लब सराना, 8 बंगरा सरदार। अगर हाफ टाइम बाद की पहली रेड है सरदार की, अगर मैच में बना रहना है। ये डबल थाई होल्ड, सक्सेसफुल डबल थाई होल्ड यहाँ पे बल्लू का। राम स्वरूप चौधरी 10-8 का स्कोर यहाँ पर दर्शकों ने। राम स्वरूप चौधरी की उमड़ गई भीड़। मतलब यहाँ पर जगदम्बा क्लब के फेवर में जितने भी दर्शक है जगदम्बा क्लब के फेवर में है। अगर मंगरा टीम को मैच में बना रहना है तो प्रधान जी को चलना होगा, और अगर इस मैच में बने रहना है तो प्रधान गुज्जर साहब को चलना होगा। अगर इस शूटिंग को नकारना है तो प्रधान जी को इस मुकाबले में बना रहना है और पॉइंटों का इजाफा करना होगा। अपने 5 vs 1 का मुकाबला है, दोनों कोणों पर, एक कोना बल्लू और दूसरा शहजाद राम स्वरूप। ये सेकंड रेड है राम स्वरूप जी से। ये राम स्वरूप मेज में फंस गए। अरे कोई बात नहीं। 3 नंबर जर्सी राजस्थान की किट में, जर्सी में शैतान जी गासल साहब। शहजाद को यहाँ पर आउट किया है शैतान जी ने। स्कोर लेवल 1 नंबर जर्सी बल्लू, जो ये भी सुरसुरा का रहने वाला है, जगदम्बा क्लब सराना का एक खिलाड़ी है सुरेंद्र जी। 5 नंबर जर्सी सुरेंद्र, सुपर टेकल में आए हैं सुरेंद्र। टेकल में स्कोर 1 पॉइंट आगे हैं मंगरा 11 जगदम्बा क्लब 10। ये ओल दर्शकों की मांग थी कि पीछे रहो। ऑल आउट और जगदम्बा क्लब ऑल इन। स्कोर होती है, ये बहुत ही अनुभवी और पुराने खिलाड़ी है राजस्थान में, इनके चर्चे हैं। राम स्वरूप चौधरी के नाम से जाना जाता है ये खिलाड़ी, इनको भूरिया भी कहते हैं। इन्होंने लोकेश के सामने से बोनस लेने की कोशिश की थी, लेकिन ये सुरेंद्र को आउट किया यहाँ पर। यहाँ पर डिस्प्यूट के कमेंट्स का बचा रहना है, लास्ट 2 मिनट। शहजाद के द्वारा यहाँ पर मिस फील्ड और 1 पॉइंट का इजाफा मंगरा के खाते में। राम स्वरूप भूरिया
अगर दर्शकों की यही शूटिंग चलती रहेगी तो एम्पायर का निर्णय 2 पॉइंट लास्ट 1 मिनट। ये महामुकाबला इतना कड़ा चला जाएगा ये दर्शकों को इतनी वो नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये सुरेंद्र का सिंगल होल्ड टेस किया यहाँ पर राम स्वरूप को। शहजाद का सिंगल होल्ड करने की कोशिश की थी शहजाद ने, लेकिन नाकामयाब। मोती रेड पर 4 नंबर जर्सी मोती जाट राम ने ढाणी का, ये प्लेयर जगदम्बा क्लब सराना में अपनी लगभग सेवा दे रहा था। ये मैच कंप्लीट और विन बाय मंगरा शैतान जी घासन साहब। ये महामुकाबला खत्म और यहाँ पर इस महामुकाबले में मंगरा क्लब विजेता रही।